मशहूर सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गुलजी बरार ने जान से मारने की धमकी दी है। वॉइस नोट के जरिए हनी सिंह को यह धमकी दी गई है। धमकी भरा वॉइस नोट मिलने के बाद हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक हनी सिंह ने आरोप लगाया कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गुलजी बरार ने वॉइस नोट के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने पुलिस को वॉइस नोट सौंप दिया है। इस मामले की जाँच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई है। हनी सिंह स्पेशल सेल के स्पेशल CPHGS धालीवाल से भी मिले। आपको बता दें कि गुलजी बरार इस वक्त कनाडा में है। उनके खिलाफ NIA ने UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। कनाडा में बैठकर गुलजी हिंदुस्तान में खास तौर से पंजाब में एक्टिव है। गुलजी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, UP, हरियाणा में अपना नेक्सस ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लंबे वक्त तक डिप्रेशन के चलते हनी सिंह लाइमलाइट से दूर रहे हैं। पिछले साल आखिर में हनी सिंह ने एक बार सिंगिंग की दुनिया में वापसी की है। तब से हनी सिंह के कई गाने बना चुके हैं। हाल ही में हनी सिंह के एल्बम हनी 3.0 से उनका तीसरा गाना लेट्स गेट इट पार्टी रिलीज हुआ है। हनी सिंह से पहले गुलजी बरार गैंग सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस साल मार्च में ईमेल के जरिए सलमान को धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा चौबंद कर दी थी। पुलिस ने धमकी के बाद केस भी दर्ज किया। सलमान को धमकी देने के मामले में कई बार जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ चुका है।